फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। हे, दिखाई नहीं देता तुम्हें मेरी हील्स, ये ब्रांडेड हैं। सॉरी, गलती से हो गया। ओके। सॉरी, गलती से हो गया। सभी बच्चे सुनो, अब आप सब चलकर अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जाओ 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 जाओ। मॉम, हे, गुड लक जैम, तुम छा जाओगे। क्या, एक एलीट स्कूल में अब गरीबों के बच्चे भी पढ़ेंगे? हमें बेस्ट स्टूडेंट्स की हमेशा तलाश रहती है। स्टेटस से हमारे स्कूल में कुछ नहीं बदलता। तुम्हें अंदाजा भी है कितना पैसा लगता है इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए? हाँ, और अगर मेरा बेटा पास होता है तो मैं एक लोन लूंगी और डबल शिफ्ट भी करूंगी। तो तुम्हें फेरी टेल्स सच लगती हैं। सो सॉरी, पर असल जिंदगी में गरीब लड़के राजकुमार नहीं बनते। तुमने सही कहा, पर हमारी जिंदगी में जब मैं साफ सफाई कर रही थी पैसे कमाने के लिए, मेरा बेटा मेहनत कर इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था। तो बेशक हम अमीर परिवार का हिस्सा नहीं है, पर कम से कम उसे जिंदगी में मौका जरूर मिलेगा। ओह नो, यहाँ उसका कोई चांस नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलो लिखना बंद करो। आप सभी अब इंतजार कीजिए, आज ही रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। मॉम, मुझे सारे जवाब आ गए। हनी, यहाँ आओ। क्या हुआ? टेस्ट अच्छा था ना? नहीं, मुझसे आखिरी सवाल सॉल्व ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मम्मा सब संभाल लेंगी, तुम बस यहीं रुको। मिस्टर जेनकिंस, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना चाहती हैं आप? वो मैं बस जानना चाहती थी कि रिजल्ट के लिए कितना टाइम लगेगा। तकरीबन 1 घंटा, और मैं अभी पेपर्स चेक करने वाला हूँ, तो अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ जरूर, आई एम सॉरी। ये आपने क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी। हद कर दिया आपने। ओह नो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लीजिए, मेरे पास कुछ टिश्यूज हैं। इनसे कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, इनसे कुछ साफ भी नहीं हुआ, यकीन नहीं होता। ओ बस, ये जैकेट मुझे दे दीजिए, वादा करती हूँ मैं इसे धोकर। इसे धोना मत, ड्राई क्लीनिंग करवाइए। ओके ओके, बिल्कुल नई लगने लगेगी। सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सो सॉरी। सॉरी, चलिए मैं आप सभी के रिजल्ट सुनाने वाला हूँ। यहाँ मौजूद एक एप्लीकेंट ने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। निया, तुम्हारा स्कूल में स्वागत है, तुम बहुत ही होशियार हो। पर मैंने तो थैंक यू, बहुत अच्छी खबर सुनाई। और वैसे
मैंने आपकी जैकेट भी ड्राई क्लीन करवा ली है, तो ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे यकीन है तुमने पूरी कोशिश की थी। hey, मैंने कहा था ना कि तुम गरीबों की दाल यहाँ नहीं गलेगी। बाय। ओह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखना यहाँ पढ़कर तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। हे, अभी तो यहाँ कोई क्लास नहीं है, है ना? नहीं। तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। नहीं? फिर खराब मार्क्स मिले? अभी तक तो नहीं, पर कल पक्का मिलेंगे। तुम ये कैसे जानती हो? तुम क्या साइकिक हो? कल मेरा एक टेस्ट होगा और मैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाती हूँ। चलो भी, तुम सॉल्व कर लोगी। अगर नहीं तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे और मैं सबसे बेस्ट मैथ्स कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, साथ मिलके सॉल्व करें। आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता है? कभी कभार बस थोड़ा हट के सोचना होता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं और मेरा बेटा यही करते हैं। तो चलो देखें क्या क्वेश्चन है। ये वाला। ओके। कोई बात नहीं, आपकी बेटी यहीं बैठी है, उसकी क्लास खत्म हो चुकी है। ये! थैंक यू। फाइनली गड़बड़ कहाँ थी पता चला। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अब क्या बड़े स्कूल्स में साफ सफाई की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं? देखिए, जरूर कोई आपको गलतफहमी हो रही है। जोआन, तुम स्कूल की सफाई क्यों नहीं कर रही? ब्रेक क्यों लिया तुमने? सॉरी, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी मदद कर रही थी। तुम्हारा काम स्कूल की सफाई करना है, जो तुम्हें अब एक घंटे में करना होगा। अगर नहीं कर पाई तो तुम्हारी नौकरी गई। सॉरी। प्लीज इन्हें डांटिए मत, जोन आंटी ने मेरी हेल्प की है। कैसी हेल्प? मिया क्या बकवास कर रही हो? जोन आंटी की वजह से मैं फाइनली समझ पाई कि कैसे सभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। मिया तुम क्या कह रही हो? तुमने टेस्ट कितने अच्छे से दिया आज, और उसमें भी परसेंटेज निकालने का एक सवाल था, याद है? ये तो मैंने किया ही नहीं था। मिया, तुम्ही ने तो किया है। ओ, मेरी बच्ची कितना थक गई है। चलो गाड़ी में बैठो, हम घर जा रहे हैं। मॉम, पर मिया, जाकर गाड़ी में बैठो अभी। क्या मैं उसका पेपर देख सकती हूँ? जरूर, ये लो। आप मजाक कर रहे हैं ना? आपको इस मेड पर भरोसा है लेकिन मुझ पर नहीं है। शायद कोई गलती हो गई हो, ऐसी गलतियाँ हमारे स्कूल में पहले कभी नहीं हुई। ओ, ये बात है। ये औरत बस मुझसे जलती है, देखना अभी आपको भी पट्टी पढ़ाने लगेगी। हाँ, लगता है कि मिया तो बहुत ही स्मार्ट है। ग्रेट, फैसला हो गया। जोन, रुको। तुम तो सब समझ चुकी थी ना, तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैंने पेपर बदल दिया? क्योंकि मिया सच में एक समझदार लड़की है, और आज मैंने देखा कि उसे इसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। हाँ, तो तुमने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया मेरी हरकतों के बावजूद? तुम्हारी बेटी की गलती तो नहीं कि उसकी मम्मी मुझ जैसे लोगों से इस तरह की बदतमीजी करती है? सही कहा, अगर तुमने सच कह दिया होता तो तुम्हारा बेटा यहाँ पढ़ पाता। वो तो है, पर वो बहुत टैलेंटेड है, वो अपना रास्ता बना ही लेगा। पिछले ही हफ्ते उसे एडमिशन मिली है स्टेट स्कूल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन में। वाओ, बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। हाँ। देखो जोन, एक सेकंड रुक कर मेरी बात सुन लो। जोन, एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। क्या है? I'm sorry. मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी बेटी की मदद के सवालों को सुलझाने में और... जो किया मियां ने अकेले किया।
उसे तो बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। इनफैक्ट अगर मैं उसके साथ एक और घंटा बैठ पाती तो वो कल टेस्ट में नंबर वन आ सकती है। क्या तुम उसे पढ़ाओगी? वो तो नहीं हो सकता, आपकी बार सीधा मेरी नौकरी जाएगी। पता है क्या जून, मैं जानती हूँ तुमसे माफी कैसे मांगनी है और मियाँ की मदद कैसे करनी है। मॉम, अब मुझे टेस्ट की कोई टेंशन नहीं, मैं 99% तैयार हो चुकी हूँ। आपने देखा मैंने क्या किया? हाँ, ओके। और अगर मॉम को 3 और क्लासेस साफ करनी होंगी तो अब कितना परसेंट काम बाकी है? अब 10 मॉम। गुड जॉब मेरी जान। मेरा एक और क्वेश्चन बाकी है, मैं जा रही हूँ। ओके ओके।